हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल, वेलकम बैक। कहते हैं इस दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं है। जो भी आपका काम है, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस लेवल पर आप काम कर रहे हो, उसी काम को, उसी फील्ड को आप बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकते हो अगर आप ले जाना चाहो। या आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा। आज का वीडियो आपको दो बातें सिखाएगा। पहली तो ये कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो शुरू कर दिया है, उसको पूरा जरूर से करना, क्योंकि वो पूरा हो सकता है और आप कर सकते हैं। दूसरी बात, कोई भी इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है अगर वो सच में करना चाहे तो। शुरू करते हैं फिर आज की बात। एक परिवार था जिनका काम था मोची का, जूते बनाते थे ये लोग सदियों से, मतलब उनकी हर जनरेशन यही काम करती थी। लेकिन उस परिवार के एक लड़के ने सोचा, जिसका नाम था टॉमस, उसने सोचा कि मुझे इसी काम को बहुत ही बड़े लेवल पर ले जाना है, अरबों की कंपनी बना देनी है। अब ज़रा सोचो कि आप जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके आसपास जो भी आप जूते ठीक करवाने जाते होंगे छोटी दुकान में मोची की, अगर वो बंदा आपको ये कहेगा कि मैं इसी काम को यहीं से ही अरबों की कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो आप क्या रिप्लाई करोगे? तो बिल्कुल उसी तरीके से लोगों ने उस लड़के को भी रिप्लाई किया होगा। हज़ारों लोगों ने बोला होगा कि पागल हो गया है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई नहीं कर पाया, तेरा दादा नहीं कर पाया, तेरा पापा नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया, तू करेगा, और इस काम को तो जूते बनाता है, जूते ठीक करता है, उस काम को तो अरबों की कंपनी बना देगा। ऐसा हुआ ही होगा। लेकिन इस लड़के ने तो डिसाइड कर लिया था कि मैं करूंगा तो करूंगा, कैसे भी करके इस काम को करूंगा। तो उसने शुरुआत कर दी और अपनी बहन और भाई के साथ मिलकर एक छोटी सी कंपनी खोली, जहां पर ये लोग जूते बेचते थे। प्रोडक्शन तो अपना खुद का ही था, जहां पर वो छोटी दुकान में बनाते थे। वो थोड़े लोगों को जॉब पर भी रख लिया बेचने के लिए, लेकिन अब धंधा तो शुरू कर दिया था, बिजनेस शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि शुरू किया तो अब चलेगा ही चलेगा, सक्सेसफुली होगा। तो जो भी पैसे पड़े थे वो तो सारे लगा दिए, लेकिन धीरे 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 करके सब कुछ डाउन हो गया और एक साल के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया। पैसे भी नहीं बचे, प्रोडक्शन भी बंद हो गया। तो ऐसे टाइम पे फिर से लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिया। हमने तो पहले ही कहा था, अब आपको पता ही होगा क्या क्या ताने होंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आप लोग भी सब जगह पर फेस कर ही होंगे, सुन रहे होंगे। मैंने पहले बोला था कि ये अपना काम है नहीं, ये अपना फील्ड ही नहीं है, अपना छोटा छोटा वो रिपेयर करते हैं वो सही है, ऐसे बड़े लेवल पर ले जाएगा तो ऐसे हर कोई कर लेता है। अगर ऐसा होता तो हज़ार चीज़ें लोग बताते हैं, इंसान को यहाँ से तोड़ देते हैं और वहीं पर ज़्यादातर लोगों का सफ़र ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस लड़के ने सोचा कि नहीं, जब मैंने शुरुआत कर ही दी है तो अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं क्विट बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं इसी काम को करते ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहे, दुनिया कुछ भी कहे। लेदर खरीदने के पैसे नहीं है तो क्या हुआ, जूते तो बना ही सकते हो। काम मेरा जूते बनाने का है, लेदर के जूते बनाने का नहीं। तो उन्होंने कैनवस से जूते बनाना शुरू कर दिया, जो सस्ता मिलता था उस टाइम पे। ज़रा सोचो, एक माइनस पॉइंट कि उनके पास पैसे नहीं है, उसको उन्होंने प्लस पॉइंट बना दिया, कैनवस के जूते बनाना शुरू कर दिया। एक अलग ही खोज कर दी जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, और आज भी हम लोग कैनवस के जूते आज तो हर कंपनी बेचती है, और लोगों को भी सस्ते में पड़ता था क्योंकि इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम थी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, कंपनी फिर से ग्रो करने लगी, धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ने लगी। कंपनी स्टेबल होने के बाद उन्होंने सोचा कि अब मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उस तरीके से तो होगा नहीं, तो बाकी जो लोग हैं वो कैसा करते होंगे। तो अमेरिका गए वो और देख कर आए कि मास प्रोडक्शन कैसे होता है जूतों का, सीख कर आए और यहाँ पर अप्लाई किया और प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ा दिया। कुछ वक्त के बाद उनके भाई की डेथ हो गई और उनकी सिस्टर की शादी हो गई। तब भी लोगों ने कहा कि अब तू अकेले अकेले कैसे कर पाएगा, इतना बड़ा बिजनेस तू नहीं संभाल पाएगा और घाटे में जाएगा। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, शुरुआत मैंने की है तो इसको मैं पूरा करके रहूँगा। उसके बाद World War I शुरू हुआ और उनको मिलिट्री के लिए जूते बनाने का बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला। अब इतना बड़ा ऑर्डर था तो उन्होंने अपने स्टाफ को 10 गुना कर दिया, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और इसी ऑर्डर ने करीबन 4 से 5 साल तक इनको जूते सप्लाई करने थे। तो ये जो उनको काम मिला उससे उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, उन्होंने शोरूम बढ़ा दिए, सब कुछ सही हो गया, सेटल हो गया था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर पूरा हुआ, पूरी दुनिया में क्राइसिस हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस, तो उसके अंदर इस कंपनी को भी बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ। लोगों के पास पैसे ही नहीं थे उस टाइम पे, किसी के पास तो कौन खरीदेगा, चाहे प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी बना लो, लेकिन ज़रूरत तो थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही रिस्क स्टेप लिया, उन्होंने अपने सारे जूतों के प्राइस 50% कर दिए, और उनके जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने भी अपने बॉस की कंडीशन को समझकर अपनी सैलरी 40% कम कर दी कि हमको सिर्फ 60% सैलरी ही देना। तो ऐसे करके उन्होंने बिजनेस को कंटिन्यू किया। तो जिस माहौल के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई थी, उसी माहौल में इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया। आज की बात करें तो इस कंपनी के 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में 5,300 से ज़्यादा शोरूम्स हैं, 18 कंट्रीज़ के अंदर इनका प्रोडक्शन होता है जी, और इस कंपनी का नाम है बाटा। वर्ल्ड की लीडिंग
शूमेकर कंपनी, और उस भाई साहब का नाम है टॉमस बाटा। हाँ, वही मोची का लड़का जिनकी सारी जनरेशन उसी छोटी जगह पर बैठकर जूते ठीक किया करती थी। उस लड़के ने ऐसा सोचा कि मैं इसी काम को इतने बड़े लेवल पर ले जा सकता हूँ। हज़ारों बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब इसको आगे नहीं ले जा सकते, क्विट करना पड़ेगा। लोगों ने भी बोला कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन ये लड़का यही कहता रहा कि मैंने शुरुआत की है तो मैं इस काम को पूरा करूँगा और मैं इसको पूरा कर सकता हूँ। जो मैंने कहा है वो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं क्विट नहीं करूँगा। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो से इंस्पिरेशन मिली होगी और आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में दो बातें बताई थी वो एक्चुअली पॉसिबल है अगर इंसान को करना हो तो। आप क्या सीखे हैं वैसे इस कहानी से, कमेंट करके बता देना। अगर मुझसे डायरेक्ट कुछ कहना है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर देना। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ कल शाम को एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।